ये 25-16 हाईवा है, इसमें टिपिंग का जो जेग है, डम्फर का जो जेग है, उसके नीचे से ऑयल लीकेज का कंप्लेन लेके आया है ड्राइवर। इसमें FE 129 3 सिलेंडर वाला FE 129 का जेग है, ये इसका टैग है, ये टैग पे जो लिखा है ना FE 129, ये जेग का नंबर हो गया। और ओब्लिक 3 3 का मतलब इसके अंदर से 3 सिलेंडर निकलेंगे, और ये हाईवा कंपनी का है, बहुत बढ़िया जेग आता है। इसके जेग के अंदर जो है नीचे से ऑयल लीकेज का कंप्लेन है, ये ऑयल निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको जेक का जो किट है वो सड़ गया है, तो जेक का ऊपर के साइड में लीकेज नहीं है, लेकिन अब वो भी तैयारी हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जब जेक पूरा खोलेंगे तो जेक उतार के नीचे का किट भी डालना है, और सिलेंडर के अंदर जो किट आती है उनको भी बदली करना है। इसको खोलने के लिए एक तरफ से ये माउंटिंग ब्रैकेट खोल लेंगे, और ये हाइड्रोलिक का पाइप खोल लेंगे हम, और ऊपर से वो जेक का मेन पिन निकाल के इसको ब्रैकेट में फिटिंग करके, और ये पूरा उठा के क्रेन से साइड में दुकान में रख लेंगे, और उसके बाद किट डालेंगे। ये हमने इसका जेक उतारा है, और ये उतार के अब दुकान में ले रहे हैं और इसको छुट्टा करेंगे। चलो 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 चलो, बस बस बस। जाने दो, जेक उतारने के लिए ये स्टैंड बनाया हुआ है। ये स्टैंड से क्या होगा, जेक खुलेगा नहीं और एकदम बैलेंस से उतरेगा और बैलेंस से फिटिंग होगा। मतलब अगर हाइड्रा से भी उतारना है तो कम टाइम लगेगा और एकदम सेफ्टी रहता है इसमें। जेक का एक बैठक छोड़ देना है और दूसरा वाला बैठक जो है वो खोल लेंगे, तो पूरा जेक इस तरफ से, इधर टंकी है, इस तरफ टंकी है, तो इसीलिए उधर जेक निकालना आसान नहीं रहता। तो जिस तरफ टंकी नहीं हो उधर का ब्रैकेट खोल लेना है, और उधर को ऐसे थोड़ा सरका देंगे तो निकल जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये देखिए ऑयल लीकेज था, ये जब जेक उठाते थे लोड देते थे तो यहाँ पे ऑयल गिरता था पूरा, तो इसीलिए उसका किट डालने के लिए हमने खोला। ये हाईवा का जो सिंगल वाला जेग आता है बॉडी का, उसके सिलेंडर काम करते वक्त तो बाहर निकलते हैं, लेकिन उनको अगर खोलना है तो उनको पीछे से निकालना पड़ता है। ये प्लेट जो दिख रहा है, ये प्लेट है, ये लॉक खोल लेंगे, ये लॉक खोलने के बाद ये निकलेगा, और एक एक करके सब पीछे की तरफ से सिलेंडर निकलेगा, बड़ा छोटा ऐसा। और वो सिलेंडर निकालने से पहले जो है, ये तीन जगह वेल्डिंग रहता है, ये ब्रैकेट ऊपर वाले पिन का ब्रैकेट तीन जगह टांका मारा रहता है, तो टांका भी खोल लेना है। ये ग्राइंडर से तीन जगह से ये ऐसा कटिंग कर लेंगे जो वेल्डिंग है उसको बीचों बीच से, और ये पिन लॉक पिन है, चेकनर टाइट करने के बाद ये लॉक पिन ऐसा ठोका हुआ है, इसको जब स्क्रू ड्राइवर से ऐसा या ऐसा मारेंगे तो ये निकल जाएगा। और उसके बाद फिर सिलेंडर सब बारी बारी से पीछे की तरफ सबको निकालना है। ये जब पीछे का केप निकाल लेंगे तो केप निकालने के बाद जो है वो सिलेंडर वन बाय वन सब, ये देखिए ये ढक्कन निकाल दिया हमने, अब ये सिलेंडर एक एक करके सबका लॉक निकाल निकाल के पीछे की तरफ से सबको निकालना है। केप यहाँ रखा, ये नीचे का केप का रिंग सड़ गया है। ये रिंग सड़ने की वजह से क्या होता है देखिए, तो यहाँ से जब हाइड्रोलिक करेंगे, जब भी डंपर उठाएंगे तो यहाँ से ऑयल नीचे जो गिर रहा था वो इस किट में से गिर रहा था। अब मान लो ये इसको अगर डाल देते हैं, खाली इसी को बदली कर देंगे, तो ये लीकेज का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, नीचे से जो लीकेज था वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक महीने बाद 15 दिन बाद ये पूरे जेक का किट सड़ गया है। जब नीचे का सड़ गया है तो ऊपर का भी सड़ गया होगा, मतलब तैयारी है। तो वो वहाँ से एक नंबर के सिलेंडर से लीकेज चालू हो जाएगा, दो नंबर के सिलेंडर से लीकेज चालू हो जाएगा, मतलब एक महीना 15 दिन के बाद या 2 महीने के अंदर ये जेक के एक 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 बार एक एक किट एक एक सिलेंडर पारा पारी लीकेज होगा। तो जब नीचे उतार लेंगे
अब इसको डालने के लिए तो फिर पूरा किट डाल के ही सही से एक बार नया किट डाल के ही फिटिंग करना अच्छा रहता है। ये वेल्डिंग जो रहता है उसको एकदम बीचों बीच, ये खड़ी लाइन दिख रही है उसको बीचों बीच काट लेना है। तो फिर जब उसको काट लेंगे तो ये जो ब्रैकेट होता है इसमें थ्रेड रहता है, एक रिंग रहता है और थ्रेड रहता है, तो इसको ऐसे घुमा के फिर खोल लेंगे। पिन, लॉक पिन निकालने के बाद अब हल्का सा हैमरिंग करेंगे, जब हल्का ठोकेंगे तो निकला थोड़ी, जब उसको ठोकेंगे तो थोड़ा थोड़ा घूमने लगेगा। जो वेल्डिंग हल्का फुल्का रह गया है तो जब हैमरिंग करेंगे तो वो टूट जाएगा और ये घूमने लगेगा। खोल, ये देखिए अब ये खुल रहा है, ये थ्रेड है, थ्रेड में से ये खुल के निकल जाएगा, तब ये जो वेल्डिंग किया है उसको भी घिस लेना है। ऐसे खोलो, खोल के खींच लो, ये सिलेंडर को निकालने से पहले ये जो वेल्डिंग है उसको घिस लेना, नहीं तो वो यहाँ जाके दूसरे सामने ऊपर वाले सिलेंडर के किट को फाड़ेगी या उसमें चोट लगेगी, तो इसको सही से घिस लेना, ग्राइंडिंग कर लेना। ये मेन सिलेंडर में से ये बड़ा वाला सिलेंडर निकाल लेना है, और ये मेन सिलेंडर में जो बड़ा सिलेंडर होता है उसका लॉक नहीं होता है पीछे, वो केप जो लगा रहता है लोखंड का, ये वाला यही केप उसका लॉक है, लेकिन जब इसके अंदर से दूसरा निकालेंगे तो उसका लॉक आता है, वो लॉक को जब निकालेंगे और उधर से हैमरिंग करेंगे तो फिर ये पिस्टन बाहर आएगा। बस बस अब ये बैरिंग देखिए थोड़ा दाग है, लेकिन ये थोड़ा इतना चल जाता है, अगर डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन ये पुराने जगहों में इतना स्क्रेच रहता ही है, तो उसको पुराना इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बैरिंग निकाल लेंगे और फिर उसके बाद ये सिलेंडर को आराम से बाहर खींचना, पकड़ के निकालो, सीधा पकड़ के उठवा इसको, आराम से आने दो। चलो चल उठा, उसी पर रख दे बाजू में। अब ये सिलेंडर के ऊपर से ये मेन जो निकला था उसके अंदर से ये निकल गया है, अब ये दूसरा लॉक निकालेंगे, इसको इधर ठोक के इसको थोड़ा अंदर ठोकेंगे तो एक यहाँ पे लॉक रहता, उसको निकालेंगे, अब ये छुटका हो गया, उसके बाद जो है इसकी किट वगैरह जो है ना, ये मेन सिलेंडर के अंदर से ये पहला निकला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इस जेक का नंबर था FE 129, इसका नंबर था और उसके बगल में डेस दे के 3 लिखा था, मतलब इसके अंदर से 3 सिलेंडर निकलेंगे, 1, 2, 3, FE 129 3 लिखा है, उसकी जगह FE 129 4 होगा, तो उसके अंदर से 1, 2, 3, 4 जेक निकलेगा, 4 सिलेंडर निकलेगा, मतलब निकलने वाला सिलेंडर मेन के बाद 4 होगा, अगर 4 लिखा है, 3 लिखा है तो 3 FE 129 3 लिखा है, हर जेक के नंबर के बाद जो है उसके अंदर से निकलने वाले पिस्टन की संख्या लिखी रहती है, मतलब सिलेंडर की संख्या लिखी रहती है, तो कभी भी किट लेना है तो बाद वाला नंबर भी बताएंगे तो एकदम सही सही किट मिलता है। हाँ, ये तीसरा वाला सिलेंडर ये निकल रहा है, अब ये निकल गया है, इसके बाद हम इसका किट निकाल लेंगे।
ये बाहर का डस्ट सील है और ये स्ट्रिपर है चार, और ये मेन किट है। तो ये डस्ट सील, ये देखिए यहाँ पे सड़न चालू हो गया है। अगर हम खाली नीचे का किट डाल देते तो ये कुछ दिन के बाद, एकदम 1 महीना 15 दिन चलने के बाद ये किट, ये भी लीकेज हो जाती। तो इसीलिए सारी की सारी किटें एक साथ नहीं डाल लेना है। ये डस्ट सील है, ये निकल गई और ये सड़न चालू था इसके अंदर, ये सड़ रही थी थोड़ा थोड़ा, ये देखिए दिख रहा, ये सड़ रही थी। अब इसको छोड़ देते तो ये बाद में लफड़ा करती। चला स्ट्रिप निकालो, निकालो निकालो सब निकालो। ऊपर वाली ये मेन किट है। ये इसका ये जो चौड़ा वाला भाग है वो अंदर की तरफ ऐसा रखते हैं, और उसके बाद स्ट्रिप जो है ये इस तरह से बैठती है, एक का मुंह अंदर एक का बाहर। ये जितनी भी स्ट्रिप है सब अंदर दिशा में बैठेगी, एक का मुंह अंदर एक का बाहर। और ये डस्ट रिंग है वो बाहर की तरफ इसका मुंह रहेगा। ये सबसे पहला वाला जो डस्ट रिंग है वो उसका बाहर की तरफ रखना है ऐसे, और ये मेन जैक का किट है उसको ऐसे अंदर की तरफ रखना है। और उसके बाद वो बाहर का जो स्टॉपर जेक जब उठाते हैं तो जेक जहाँ आगे टिकता है वो लोक बोरा, उसको चेक कर लेना, टूटा है तो डाल देना है, नहीं तो बाद में बहुत समस्या खड़ी करता है। ये जो मेन कैप है इसमें हमने नया सील डाल दिया है। ये सभी सिलेंडर का नीचे की तरफ मेन कैप रहता है। ये मेन कैप का ये जो रिंग देखिए इस तरह का निकला है, ये ज़्यादा दिन होने से ऑयल के अंदर ये ख़राब हो जाते हैं, और इसमें मौसम का भी असर होता है, गर्म होता है जब उठाते हैं तो उस पर लोड प्रेशर पड़ता है। अब प्रेशर कहीं भी होगा तो उसमें गर्मी आएगी, वो गर्म होगा, और फिर बाद में जब काम नहीं रहेगा तो वो ठंडा होगा वातावरण के हिसाब से, तो गर्म होगा ठंडा होगा और ऑयल के अंदर रहेगा। इस कारण से ये सीलों की लाइफ ख़त्म हो जाती है, गर्म ठंडा होता है और इस पर मौसम का भी असर होता है, तो ये ख़राब हो जाती है। अगर हम ये डाल देते तो भी काम हो जाता, लेकिन वो सही नहीं था क्योंकि दूसरी सब रिंगें भी घिस रही थी। अभी हम सारी की सारी रिंगें चेंज कर लेंगे। ये हाइवा कंपनी का एक किट डालना है, हाइवा का ओरिजिनल किट डाल रहे हैं। अब इसमें सब की सब जो है ना रिंग बदली कर लेते हैं, स्ट्रिप भी सब नया डाल देंगे। ये जितना स्ट्रिप है ये सब की सब हम बदली करेंगे, सबको नया डाल देंगे। और किट नया डालने से पहले ये जो कोर है बाहर का, यहाँ जंग लगा रहा था, तो जब नया किट और ये डस्ट रिंग डालेंगे तो वो ज़्यादा ओवर हो जाएगी, तो इसको घिस के साफ कर लेना अच्छा है। जेक गाड़ी में फिटिंग करने से पहले फ्री चलेगा और यहाँ पे वो रिंग का साइज़ नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से सफाई करना है। अब इसके बाद हम इसका रिंग डालते हैं। ये मेन सील, पहले सिलेंडर का मेन सील डाल देना है। ये जब डालेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, इसका दिशा है ना, सबका मेन सील का दिशा अंदर की तरफ होना चाहिए। ये बाहर की तरफ भी फिटिंग हो जाता है, बाहर की तरफ भी गलती से इसका मुँह जो है ये धार मेन वो अंदर ही रखना है, ताकि ऑयल का प्रेशर वो मेंटेन कर सके। बाहर रखेंगे तो वो लीकेज होगा, और ये बाहर वाली सील स्ट्रिप और ये डस्ट सील उसका प्रेशर रोक नहीं पाएगी, वो लीकेज होगी। तो कभी भी थोड़ा ध्यान रखें तो फिर से दोबारा खोलना नहीं पड़ता। ये मेन सील का मुंह अंदर की तरफ रखना है। ये मेन सील हमने डाल दिया है, स्ट्रिप को इस तरह से रखना है। जब ये फिटिंग करेंगे तो पहला स्ट्रिप का जो ये है वो ऐसे जाएगा और दूसरा वाला उसके अपोजिट इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे सेट में, ये दो दो के सेट में चार पीस लगते हैं। ये किट डाल दिया है हमने, और स्ट्रिप किट इसका भी तीनों से, ये दो सिलेंडर हुए और ये तीसरे सिलेंडर का, ये सबका नया किट डाल के अब हम फिटिंग कर रहे हैं। डालो चलो 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 चलो, बस उठाना पड़ेगा, ठहर जा, चलो 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 चलो।
बस रुक गया। सभी सिलेंडर पारा पारी पीछे से ही लगेंगे, ये दूसरे नंबर में ये पहला वाला घुसेगा, उसके अंदर ये घुसेगा, और ये तीनों मिलके फिर उसमें पीछे से ही घुसेंगे और फिर फिटिंग सील कर देंगे। सिलेंडर घुसाने से पहले ये थोड़ा घुसा लेंगे अंदर, और जब लास्ट वाला पोजीशन आएगा तब इसको बैरिंग इस तरह से लगा लेना है। बैरिंग जो है ग्रीस लगा देंगे तो बैरिंग बैठाने के बाद एक बार क्या है फिर वो गिरेगा नहीं, वो सही से लॉक हो जाता है। ये बैरिंग अच्छी तरह लॉक हो गया, अब ये ग्रीस लगा लेने से ये गिरेगा नहीं फिटिंग के टाइम। हैमरिंग भी करेंगे लकड़ा लग के तो भी ये सही से घुस जाएगा अंदर। चलो आने दो, रुक गया रुक गया। हाँ चलो 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 बस चलो। ठीक है चलो 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 बस रुक गया। चलो ठोको 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 चलो 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 बस आ गया। सिलेंडर को बैठाने के बाद उसका लॉक जो है वो सही से बैठा लेना, सॉल्ट ठोका था लॉक को ठोक दो ऊपर बीच में यहाँ पे। हाँ हाँ चलो चलो चलो। हाँ ये लॉक बैठ गया है, और जब लॉक जब बैठ जाएगा तो ये जो कट का भाग है ये यहाँ पे एक उंगली के बराबर गैप हो जाएगा, मतलब लॉक सही ढंग से इसे बैठ जाएगा तो यहाँ पे गैप हो जाएगा, और ये हो गया है। अब ये सिलेंडर को इसके अंदर बैठाएंगे तो फिर यहाँ पे पीछे के साइड लॉक लगा लेंगे, और ये हो गया। ये टोटल दो ही लॉक आता है, एक छोटे सिलेंडर का और एक इसका इसमें, और मेन लॉक वहाँ पे आता है जो केप आता है बड़ा वाला, ये जो केप आता है ये बड़ा वाला ये मेन लॉक है। ये तीनों सिलेंडर आपस में फिटिंग करने के बाद अभी मेन जेक के अंदर घुसाना है। अब यहाँ पे लॉक नहीं लगेगा, ये बैरिंग बैठ जाएगी अंदर और ये ढक्कन लग जाएगा और ये फिर फिक्स हो जाएगा। ये इसका सब सिलेंडर फिटिंग करने के बाद ये मेन प्लेट लगा दिए हैं, और फिर मेन प्लेट का लॉक का पट्टी तीनों फिटिंग करने के बाद अब इसके बोल्ट को फिटिंग कर देंगे। अब ये गाड़ी में चढ़ाने के लिए तैयार है। जेक रेडी हो गया है, अब जेक चढ़ाने से पहले ये माउंटिंग ब्रैकेट ऊपर का जो पिन लगाना है उसको फिटिंग कर लेना है। इसको जब टाइट करेंगे तो सटने के बाद देखना है ये कट वाला भाग ये कट के ऊपर आ जाना चाहिए। बैठाओ बस बस। ये पिन अभी इसको होल के अंदर डाल देंगे और इसको हैमरिंग कर देंगे, ठोक देंगे, बैठा देना है पूरा। अब ये लॉक हो गया है, ये टाइट भी हो गया है और लॉक हो गया है, लेकिन इस लॉक पे नहीं चलेगा, इसको तीन जगह वेल्डिंग मारना पड़ेगा। जैसे हमने पहले टाका इसका वेल्डिंग का जो टाका लगा हुआ था उसको काट दिए हैं और घिस भी दिए हैं, जगह हो गई है, अब इसको वेल्डिंग कर लेना। बस ये वेल्डिंग करने के बाद जो है ये
ये जो ऊंचा भाग रह जाता है इसको घिस लेना है। जब डंपर उठेगा तो ये सिलेंडर यहाँ आके इसके अंदर फंस नहीं जावे और नुकसान नहीं हो, कीट फट सकता है, तो इसको लेबल कर लेना है। लेबल कर लेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। उठाओ 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 उठाओ, बस डाउन करो। बस बस बंद कर दे। ये जेक का काम हो गया है, फिटिंग हो गया है। अब ऊपर का पिन लगा लिए हैं, उसमें क्वार्टर पिन जरा अच्छी तरह से बढ़िया लगाना पड़ता है। कभी भी मतलब सलिया वगैरह या कुछ भी डाल देंगे तो क्या है, टूटने का डर रहता है, फिर पिन निकल जाएगा तो गाड़ी पलटी हो सकता है। तो उसमें बोल्ट 13 नंबर का बोल्ट 2.5 से 3 इंच का डबल नट का लगा देंगे।